हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ बढ़िया ही होंगे। तो हमारे चैनल में आप लोग ऐसे ही बने रहिए। और आज मैं देश को अपने देश के बारे में कुछ छोटा सा टिप्पणियाँ लेकर आई हूँ, जिसे आप लोगों के सामने मैं पेश करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को एंड तक देखिएगा और लाइक शेयर कमेंट करिएगा अगर हमारे वीडियो पसंद आया तो। प्लीज़ आप लोग हमारे वीडियो को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं लेकिन हमारे वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा कष्ट यही हो रहा है। तो प्लीज़ मैं देखिए इतना अच्छा अच्छा मैं सोच रही हूँ कि बनाऊँ आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी आप लोग हमारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। बस वीडियो को देख के इग्नोर कर दे रहे हैं। प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, हमें बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो चलिए हम अपने स्वतंत्रता दिवस के बारे में कुछ आप लोगों को बताते हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा भारत भाग्योदय से आज़ाद हुआ था। हमारा देश आज़ाद हुआ था। और उसके बाद 45 करोड़ भारतीयों को विदेशी दास्ता से मुक्ति मिली थी। उस दिन 45 करोड़ लोगों को हमारे विदेशियों से मुक्ति मिली हुई थी। तब से प्रत्येक भारत स्वतंत्रता दिवस को मनाता है, बहुत ही अच्छे ढंग से मनाता है। सोचिए बहुत ही अच्छे ढंग से, जो कहते हैं बहुत ही प्यारे ढंग से मनाते हैं लोग। जैसे कि हमारे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लोकसभा मान्य तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, वीरों ने इस चिंगारी को हवा दी थी। सुलग सुलग कर वह चिंगारी 16 बन गई थी। विदेशी सरकार ने अत्याचारों ने अग्नि में घी का काम किया। सोचिए घी का काम किया। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध से ही अधिकार था और है और रहेगा। इतना आप लोग गौर से सुनिएगा हमारे वीडियो को। तो जन्मसिद्ध से ही हमारा अधिकार था, अधिकार है, अधिकार रहेगा। स्वतंत्रता हमारा सबसे प्यारा देश हमारा है, बहुत ही अच्छा है। समझ लीजिए बहुत ही प्यारा। अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारों और अगस्त 1942 को क्रांति ने तो उनकी जड़ों को खोखला ही कर दिया। अंतः विश्व हो अंग्रेजों ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र कर दिया। दुख उठाने के बाद जो स्वतंत्रता मिलती है उसका बहुत मान होता है। उसी के कारण हर एक भारतीय प्रति वर्ष 15 अगस्त मनाता है। देखिए बहुत इतिहास से सभी लोग, यह जय भारत। 15 अगस्त को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, बहुत ही धूमधाम से। सुख शांति स्वतंत्रता और समृद्धि का प्रतीक है, यह दिवस भारत के कोने कोने में मनाया जाता है। लाइट भी नहीं है दोस्तों, अंधेरा अंधेरा सा आ रहा है। तो ये वाला त्यौहार, ये जो त्यौहार हमारा राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस है, भारत के कोने कोने में मनाया जाता है, सभी लोग मनाते हैं। सभी मतलब जितने भी कैटेगरी के लोग हैं सभी लोग मनाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग मनाते हैं। इसको बहुत ही प्यार से और धूमधाम से मनाते हैं। और इस दिन सारे सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी रहती है। उस दिन
सभी लोग अपना सभी लोगों का सरकारी अवकाश रहता है। और इस दिन देखिए दिल्ली में जो कहा जाता है, दिल्ली हमारा भारत की राजधानी है, वहाँ पर एक दिन पहले 14 अगस्त को ही वहाँ पे मनाते हैं। स्कूलों में विद्यालयों में मनाया जाता है 14 अगस्त को वहाँ पे मनाया जाएगा स्वतंत्रता दिवस। इसलिए मनाया जाएगा कि क्योंकि श्री हमारा माननीय नरेंद्र मोदी जी लाल किले पर जाएंगे और वहाँ पे हमारे तिरंगे को लहराएंगे फहराएंगे 15 अगस्त के दिन। तो इसलिए सभी पूरी भारतवासी में राजधानी में सरकारी अवकाश रहता है उस दिन, और 14 अगस्त को छुट्टी रहेगा राजधानी में। और हमारे मतलब यूपी में तो स्कूल खुला रहता है, ऐसी बात नहीं है। उस दिन हमारे बच्चे सभी लोग जाएंगे स्कूल में ही मनाएंगे, लेकिन वो राजधानी में एक दिन पहले सभी बच्चों का स्कूल बंद हो जाता है। उस दिन मनाएंगे फेस्टिवल वो राष्ट्रीय, उसके बाद से छुट्टी हो जाता है। तो देखिए ऐसी हमारे बहुत ही छोटे से मैं लेक्चर आप लोगों के सामने आई हूँ लेकर, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा आप लोग। और मैं और ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगी, अपने देश के लिए सबसे प्यारा ये छोटा सा मैं तोहफा आप लोगों के सामने समझ लीजिए मैं रखी थी। तो आप लोग प्लीज़ हमारा सपोर्ट करिए, और हर फेस्टिवल पे मैं छोटी सी टिप्पणी ज़रूर लेकर आऊँगी। तो सो मेरे वीडियो को आप लोग देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तो इन्जॉय करिए 15 अगस्त को, खूब सारा झंडे लेकर फहराइए और अच्छे अच्छे सभी लोग रहिए, खुश रहिए, अपने घरों में स्वच्छ रहिए, मस्त रहिए। तो मैं यहीं पे अपने चैनल को विराम करना चाहूँगी, यहीं पे अपने वीडियो को मैं क्लोज करना चाहूँगी। तो प्लीज़ चलिए, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।